जदयू विधायक गोपाल मंडल ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार शंकर सिंह को लेकर विवादित टिप्पणी की है। यहां तक कि गोपाल मंडल ने महागठबंधन उम्मीदवार बीमा भारती को मजबूत उम्मीदवार बताया, लेकिन यह भी कहा कि अपने उम्मीदवार कलाधर मंडल को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का जितना राजपूत क्रिमिनल था सब शंकर सिंह को जिताने पहुंच गया है, लोगों में दहशत का माहौल है। शंकर सिंह AK-47 लेकर दौड़ता था, वो हार्ड क्रिमिनल है। उसका लिबरेशन ग्रुप है बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने फैजान ग्रुप बनाया था, लिबरेशन ग्रुप को सैथ दिया। हम लोग सब कलाधर मंडल के लिए लगे हैं, लेकिन शंकर सिंह को टक्कर बीमा भारती दे सकती है। जदयू को तो नुकसान ही नुकसान है। पहले पोजीशन पर अभी बीमा भारती है, सेकंड नंबर पर शंकर सिंह है, तीसरे पर हमारे उम्मीदवार है, लेकिन हम लोग मेहनत कर उन्हें पहले नंबर पर लाएंगे। बीमा भारती ने धोखा दिया था, लेकिन उसे पनिशमेंट मिल गया। कलाधर मंडल बैकवर्ड समाज को बचा नहीं सका। बीमा भारती के पति अवधेश ही बैकवर्ड की रक्षा किया है और करता रहेगा। समीकरण ये है, पहले तो ठीक था, इतना ना बिहार का जितना राजपूत क्रिमिनल था या कोई क्रिमिनल, सब शंकर सिंह को जिताने के लिए पहुंच गया। लोगों में आक्रोश हुआ। पहले भी शंकर सिंह 25-30-40 आदमी से AK-47 कार्बाइन लेके दौड़ा करता था। वो तो है बड़ा हार्ड क्रिमिनल और उसका लिबरेशन ग्रुप है, पार्टियां तैयार कर लिया है लड़ने वाला। तो ये स्थिति है, बिहार के जितने भी राजपूत क्रिमिनल है, बाकी और दूसरे जात का उनका सहयोगी सब पहुंच गया है। लोगों में दहशत का माहौल है, ये क्या कर रहा है बगैर जीते? ये पोजीशन है जीतने के लिए, जीतने के बाद क्या करेगा? उन्होंने अपना कना अजमाइश कर लिया है, बस्ती का बस्ती गुजारता था, लूटता था, उसमें अवधेश मंडल कुंटलिया बोरा ढोने वाला बाहर था। जब इसके ग्रामीण सबको पीटना शुरू कर दिया, वो वहां से हथियार उठा लिए और इलाके समाज बैकवर्ड समाज का उन्होंने इज्जत रखा। लड़े लिबरेशन ग्रुप से, ये भी अपना फैजान ग्रुप बना लिए, जम के लड़े, लिबरेशन ग्रुप को सैत दिया, भागना पड़ा। यहां कांटे का टक्कर है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, हमारी पार्टी, हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री, जितने भी एनडीए गठबंधन सब लीडर लगे हुए कलाधर मंडल के, लेकिन रिएक्शन होने से जीत कौन सकता है? कौन शंकर सिंह को टक्कर दे सकता है? तो वो है बीमा भारती, अवधेश मंडल की पत्नी है। इसलिए क्या कहा जाए, फॉरवर्ड यानी राजपूत भरसेत अन्य जात हो गया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में टोयोटा कंपनी की तरह बिहार में पहली बार टोयोटा हैलेक्स गाड़ी का 2 दिवसीय मेटल एरेना का आयोजन किया गया। प्रकाश टोयोटा के भागलपुर ब्रांच के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन खगड़िया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा और कंपनी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान राजेश वर्मा ने रोमांच और खतरे से भरे मेटल एरेना में भाग भी लिया और खुद से गाड़ी चलाते हुए सभी एडवेंचर में भाग भी लिया। इसके बाद सांसद ने कहा कि यह गाड़ी किसी भी परिस्थिति में चलने लायक है और लोगों से किसी भी तरह के स्टंट को बिना एक्सपर्ट के सहयोग से ना करने की अपील करते हुए कहा कि जीवन में भी इसी तरह का रोमांच है, उतार और चढ़ाव आते जाते रहते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस को आप लाइफ से जोड़ के देखिए, जिस तरीके से पूरे एडवेंचरस इस ट्रिप के दौरान कहीं पर पहाड़ भी था, कहीं पर फ्लैट भी था, कहीं पर गड्ढे भी थे, तो ये सारा एक्सपीरियंस में किस तरीके से कब हमको ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना, ये जिस तरीके से गाइड हमको कर रहे थे ठीक है, उसी तरीके से कि जब जीवन में भी आपके उतार चढ़ाव आए तो कब आपको पेशेंस रखना है और कब आपको बहुत उत्साह के साथ काम को बढ़ाना है, ये वही सिखाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस एक्सपीरियंस को दिलाने के लिए विजय प्रकाश जी का, प्रकाश टोयोटा का, कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग को देने का काम किया और हम चाहेंगे कि नित्यदिन प्रकाश टोयोटा जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और भागलपुर पूर्णिया के साथ साथ बिहार के अलग अलग कोनों में इनका जो है
काम फैलते चले। वही टोयोटा के अधिकारियों ने कहा कि यह दो दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें टोयोटा के हाइलक्स गाड़ी के द्वारा कई तरह के रोमांचक और खतरों से भरे यात्रा करके दिखाया गया है, जो गाड़ी की जमीनी पकड़ को दिखाता है। अधिकारियों ने बताया कि टोयोटा की हाइलक्स गाड़ी विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है और इसे हर उम्र के व्यक्ति पसंद करते हैं। अधिकारियों ने दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान भागलपुर और आसपास के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचकर गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने की अपील भी की। मेटल अरीना बिहार का पहला ये इवेंट है ऑफ रोडिंग का, जिसमें हर एज के लोग इसको एंजॉय करेंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे। और उनके लिए जो नेचर लवर्स है, जो यंगस्टर है, जो चाहते हैं वीकेंड में कोई हिल वाले एरिया में, कोई नदी वाले एरिया में जहाँ ऑफ रोडिंग कर सके और अपने फैमिली के साथ पीसफुली इंजॉय कर सके, उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। और ये इवेंट हम लोग फील कराना चाहते हैं अपने बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी यंगस्टर हैं, इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। ऑफ रोड इवेंट में पार्टिसिपेट करें। सैंडिस कंपाउंड में 7 और 8 तारीख को ये इवेंट 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक किया गया है। तो भागलपुर और उसके नियर बाय जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आप जानकारी लें और इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें फ़न है, इंजॉयमेंट है, सर्टिफिकेशन है, गिफ्ट है और टोयोटा की सारी गाड़ियों का एक बार देखने को आपको मौका मिलेगा, टेस्ट ड्राइव करने का मौका मिलेगा और इंजॉय करें संडे एंड मंडे को। तो प्लीज़ सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में 7 और 8 तारीख को आइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू। ये टोयोटा हाइलक्स एक प्रोडक्ट है जिसकी एक्सपीरियंशियल ड्राइव की है मेटल अरीना का अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो आके टोयोटा हाइलक्स को और इस जो सेटअप बनाया गया है, इसमें ये लोग आके ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली जो है ये गाड़ी की कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए कि गाड़ी की कितनी क्या पावर है, क्या क्षमता है, किस इंक्लिनेशन में गाड़ी चल सकती है, किस साइड एल्टीट्यूड में गाड़ी चल सकती है, तो ये चीज़ को दिखाने के लिए ये एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया हमारे प्रकाश टोयोटा के द्वारा। और बहुत सारे लोग यहाँ शामिल हो चुके हैं। अभी MP साहब तुरंत जो है यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करके निकले हैं वो, और सभी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है जी। बिहार में ये पहली बार भागलपुर में ही किया गया है। और हाइलक्स जो है एक लाइफस्टाइल व्हीकल है और लाइफस्टाइल व्हीकल से लगभग जो है 30 साल से लेकर लगभग 50, 55, 60 साल के लोग भी इसमें जुड़ते हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी है तो ये टोयोटा हाइलक्स ही है। और इसकी जो क्वालिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी है ये। और उसी चीज़ को यहाँ दर्शाया जा रहा है, लोग खुद से आके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद चला के देख रहे हैं डिफरेंट टेरेंस में, डिफरेंट मोड्स में। और काफ़ी जो है डेफिनेटली रिस्की भी है, लेकिन हमारे पास में एक्सपर्ट टीम है इसके लिए, जो एक्सपर्ट टीम इसको गाइड कर रही है और एक एक ड्राइव का फील उसको करा रही है। टोयोटा हाइलक्स में क्या खास? ये बेसिकली एक 4x4 व्हीकल है जो कि आपको किसी भी ऑफ रोड में, किसी भी प्लेसेस में ये जाने के लिए कैपेबल है। और प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये ऐसी गाड़ी है कि जिसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको डैमेज करने का प्रयास की लेकिन डैमेज नहीं हो पा रही है। अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी यूथ जो है, यूथ जनरेशन, इवन मिडिल एज को भी जो भी है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड। इसका खासियत यह है कि जो एंड्यूरेंस जो हम लोग ने आज ट्रैक बनाया, दिस इज़ फॉर द यूथ एंड एवरी एंथुजियासिस्ट जो फोर व्हीलर SUV जो चलाते हैं, जो यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए खास हम लोगों ने ये ट्रैक डिज़ाइन किया, बनाया है। एंड यहाँ पे एक्सपर्ट है उनको गाइडेंस करने के लिए कि इस ये गाड़ी, ये टोयोटा हाइलक्स का कैपेबिलिटी क्या है, किस हद तक इसको हम लोग चला सकते हैं। ये कहा जाता है कि अदर व्हीकल्स कैन गो फास्ट, जोर से जा सकता है, बट हाइलक्स कैन गो एनीवेयर, वो कहीं पे भी जा सकता है। दूसरा गाड़ी जो फास्ट चलते कहीं ना कहीं रुक जाता है, बट आप इस पर कहीं पर, एंड दिस इज लेजेंड, दिस इज लेजेंडरी व्हीकल, ऑफ रोड व्हीकल, जो आज से नहीं, इसका एज ही हो गया आपका करीब 30-35 साल से, काफ़ी कितने डिकेट से ये हाइलक्स जो है दुनिया भर में कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स का चहिता गाड़ी है जिसको ऑफ रोडिंग व्हीकल पसंद है। एंड उस सेगमेंट के लिए ऑफ रोडिंग जो व्हीकल है, हाइलक्स इज़ द किंग, हाइलक्स इज़ द लास्ट वर्ड। सो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग आज यहाँ पे है, शाम तक है, कल भी ये ट्रैक रहेगा। और खास ये भागलपुर और इनके नेबर्स जो जगह है
उनको कस्टमर्स गेस्ट जो भी पसंद करते हैं उनको पास चाहे टोयोटा हो ना हो, दे आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ आइए, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, कम एंड टेस्ट द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो टोयोटा बनाया है। और एक चीज़ जो ऐड करना चाहता हूँ कि प्रकाश टोयोटा का पास वी आर यूजिंग ए हाइलैक्स, हम लोग खुद हाइलैक्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं सर्विस में हूँ, वी हैव गॉट ए TSC हाइलैक्स जो मोबाइल सर्विस वैन है, ये चलता फिरता एक छोटा मेरा वर्कशॉप है। और ये वर्कशॉप ये कस्टमर्स के हम लोग डोर टू डोर भी सर्विस देते हैं। उसमें कंप्रेसर है जिससे हवा जनरेट होता है, बैलेंसिंग है, बहुत सारा सुविधा है इसमें है। सो वो सिर्फ हम लोग बेचते नहीं है, वो हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये कहीं पे भी जा सकते हैं। सो ये हम लोग को बहुत हेल्प कर रहा है सर्विस प्रोवाइड करने में भी। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों के बड़ी संख्या में लोग भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पहुंचे और कई लोगों ने गाड़ी भी बुक कराया। कार्यक्रम के दौरान प्रकाश टोयोटा ग्रुप के MD विजय प्रकाश, CEO गौरव मारुति, जनरल मैनेजर सेल्स ब्रजेश कुमार, ट्रेनिंग मैनेजर सुमित किसान, मार्केटिंग मैनेजर रवि रंजन सहित प्रकाश टोयोटा ग्रुप के बड़ी संख्या में कर्मचारी और आम लोग मौजूद थे। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में दूध गर्म करने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में मां पूरी तरह झुलस गई जबकि 8 वर्षीय पुत्र आग की चपेट में आ गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि किचन में दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करने के बाद जैसे ही गैस को बंद करने के लिए गई तो पाइप से गैस लीकेज हो गया जिस कारण आग लग गई। घटना में घायल हबीबपुर थाना क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय अनिता कुमारी और उनका बेटा 8 वर्षीय अंशु कुमार को परिजनों ने जख्मी हालत में माया अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद परिजनों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। घायल महिला अनिता कुमारी ने बताया, किचन में दूध गर्म करने के लिए दिया था, गर्म दूध हुआ तो गैस को जैसे ही बंद करने की कोशिश की गैस लीकेज हो गया जिस कारण आग लग गई। हादसे में महिला समेत उनके पुत्र झुलस चुके हैं। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने किसी तरह लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। महिला ने आगे बताया कि आग लगने के बाद गैस ब्लास्ट हो गया, पूरा रूम आग की लपेट में था। हालांकि समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू पा लिया गया था। दूध आ गया तो उसका जो गैस का जो है वो बंद कर दिए, फिर रेगुलेटर बंद करने गए ना, बस आग उठ गया। तो गैस ब्लास्ट भी हुआ था, वो आग उठे देखे उठते हुए बस हम लोग पूरा रूम धुआं हो गया। फिर उधर पलट के नहीं देखे कि ब्लास्ट हुआ, पूरा रूम एकदम आवाज खूब जोर से किया। बिहार में NDA में सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी बानगी फिर से देखने को मिली। बीते दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने 2025 में बिहार में NDA में भाजपा के चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब इस पर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह पर विवादित टिप्पणी कर दी है, यहाँ तक घटक दल पर भी टिप्पणी की है। गोपाल मंडल ने कहा कि अश्विनी चौबे सब क्या है, बिहार में भाजपा का स्थान कहाँ है, पहचान कहाँ है। ऐसे ही चौबे जी बक करता है, उसका दिमाग घसक गया है, वो टीक वाला है। गिरिराज सिंह अब भी बकबक करते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा तो फूल बहुमत आया, राज्यपाल बने कुछ बने, जहां का बनेगा वहीं बर्बाद कर देगा। भाजपा नीतीश को साइड करके कहां जाएगा, अगर दम था तो अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ा। ये लोगों को बकबक करने की आदत है, नीतीश कुमार को कहता है पलटू दादा, नीतीश कुमार बैठे रहते हैं, कभी राजद आ गया सट जाओ, कभी भाजपा आ गया तो सट जाओ। उन्होंने कहा कि 2025 में राजद नहीं सटेगा। अश्विनी चौबे सब क्या है, भाजपा के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, भाजपा का स्थान है यहाँ का, बिहार में क्या है भाजपा की पहचान। ऐसे बकबक करता है, चौबे जी का आदत है बकबक करने का, चौबे जी बकबक कर रहे हैं कुछ। वो टीक वाला जो है क्या बोलता है, गिरिराज सिंह, वो भी बकबक करते रहते थे। कुछ ऐसे है NDA गठबंधन में बकबक। अच्छा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा ना, फुल बहुमत आया ना MP के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, उसी तरह लड़ेगा तो फुल बहुमत आएगा। RJD का बहुत कम वोट आएगा, मतलब बहुत कम सदस्य जीत के आएंगे, तो बकर अब उसका भी लूज हो गया, दिमाग घसक गया चौबे जी का। राज्यपाल बनने की बात, राज्यपाल ताजपाल जहां का गवर्नर बनाएगा वो कहानी वहां का खत्म हो जाएगा। तो बनने की बात है तो बना दे, कौन पूछता है नहीं बनावे।
तो भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है, 25 तक में भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है। साइड कर दे सभ्य चला जाएगा कि वोटरो चला जाएगा नीतीश कुमार के साथ, साइड करके कहां जाएगा? अगर दम था तो अकेले चुनाव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ी, पता चल जाता कितना सीट आता है। ऐसे बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बकबक करने का आदत है। नीतीश कुमार को कहता है पलटू दादा, पलटी मारता है। कोई पलटी, नीतीश कुमार जैसे हम बैठे हुए ऐसे बैठे रहते हैं, कभी आरजेडी आ गया सट जाओ, कभी आरजेडी हटा भाजपा आ गया सट जाओ, ये कहीं जाता है थोड़ो, अपने सटता है। बिहार में इनका वोट है ना, नीतीश जी के पास ही आना पड़ता है। हाँ, सब कोई कहीं जाता नहीं, ये कहता है पलटू मारता है, ये पलटमार है सो बात नहीं है, वो तो बैठे रहते हैं। आरजेडी खिसक गया भाजपा दौड़ के आता है, भाजपा के आरजेडी खिसक के आता है, कहीं जाता ही नहीं है। 25 में क्या फिर आरजेडी सटेगा क्या? नहीं, ये सब नहीं होगा, कोई आरजेडी फरजेडी 25 नहीं सटेगा, और भूल बहुमत से चुनाव जीतेगी 25 में। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। गंगा घाट विकास समिति बरारी भागलपुर एवं कला सागर सांस्कृतिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में गंगा घाट पर सफाई को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। शहर के ऐतिहासिक और सबसे अच्छी घाट बरारी पुल घाट को माना जाता है, और यहां शहर और जिला नहीं आसपास के जिला के साथ झारखंड और बंगाल से भी लोग स्नान करने आते हैं। समिति की ओर से प्रत्येक शनिवार को बरारी पुल घाट में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ समाज के बुद्धिजीवी सदस्य के आग्रह पर अब शनिवार नहीं प्रत्येक रविवार को सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चलाकर पुल घाट को साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा, बरारी समाज के लोगों के साथ दुकानदार बंधु एवं सदस्यगण इस घाट को स्वच्छ बनाए रखेंगे, इसमें दुकानदार बंधु का भी सहयोग अपेक्षित है। स्वच्छता अभियान में मंजूषा गुरु, मनोज कुमार पंडित, शशिकांत सिंह, पंकज मिश्रा, अशोक ठाकुर, संजय ठाकुर, सुमित ठाकुर, गणेश ठाकुर, अमित ठाकुर, लड्डू ठाकुर, सचिन ठाकुर, मंजू नालदार, नीतीश सिंह शामिल हुए। मंजूषा गुरु ने कहा कि इस कार्य में प्रशासनिक सहयोग भी अति आवश्यक है, इसके लिए शिष्ट मंडल नगर आयुक्त से मिलने जाएगी। घाट किनारे दुकानदारों को भी सिस्टमेटिक दुकान लगाने का निर्देश दिया गया और सभी अपने दुकान के सामने डस्टबिन रखे, ऐसा निर्देश दिया गया।
भागलपुर में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पैनल निर्माण में व्यापक धांधली के विरोध में शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी द्वारा सैंडिस कंपाउंड में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवक शामिल थे। शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कई वर्ष पूर्व भागलपुर समाहरणालय द्वारा विज्ञापन निकाला गया था, उसके बाद पैनल लिस्ट में हम लोगों का नाम भी आया, इसके बाद अभी तक हम लोगों को ज्वाइन नहीं कराया जा रहा, और जब हम लोग जिलाधिकारी से मिलने जाते हैं तो कहा जाता है परीक्षा होगी, परीक्षा में पास आप लोग कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन कराया जाएगा। इस परीक्षा का हम लोग विरोध करते हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का हम लोगों को जो पैनल जो है, हम लोग आज 2016 से लेके 2024 तक हम लोग 8 साल के दरमियान में हम लोग अभी तक दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय हम लोगों की बातों को नहीं सुने, ना ही हमारी सरकार सुन रही है। पुनः 2023 में फिर जो है फिर हम लोगों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा फिर आवेदन ऑनलाइन करवाया गया था। उस आवेदन को ऑनलाइन करने के बाद भी आज 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पैनल को प्रकाशित नहीं किया गया। हम लोगों ने कई बार जिलाधिकारी से मिलने का कोशिश किया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय शुक्रवार के दिन रहते ही नहीं हैं, आम दिन रहते हैं लेकिन जिलाधिकारी शुक्रवार को रहते ही नहीं है। मेरी मांगे है पूरी कि हम लोगों को जो है कम से कम पैनल प्रकाशित करके हम लोग को नियुक्त किया जाए, क्योंकि हम लोग अब जो है मैंने कहीं फॉर्म भरने के लायक भी नहीं रहे हैं, हम लोग का उम्र सीमा भी समाप्त हो गया है। मांग पूरी नहीं होगा तो इस बात को हम नीतीश कुमार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये जो घटना घट रहा है हमेशा हम लोग को लटका के रखा जा रहा है, जीवन बर्बाद हो गया, 50 साल हो गया, और इसमें फिर कभी बोल रहा है कि अब एग्जामिनेशन का बारी होगा, जबकि विज्ञापन निकला गया था तो उसमें एग्जामिनेशन का कोई बात नहीं था, और इसका 7 नंबर कॉलम था कि जब भी बहाली होगा तो उसमें अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जाएगा, और बिहार सरकार का जो रूल है 63-65 का उसमें भी है कि जब भी बहाली होते आया तो अधिक उम्र वाले को होते आया, अधिक उम्र वाला जो है उसी को रखा गया। 2016 में जो बहाली हुई है उसको भी दो अधिक उम्र वाले को वरीयता के देने के साथ ही बहाली हुआ है, तो ये लोग फिर कभी एग्जामिनेशन का बात करता है, कभी रोस्टर निकालता है, ये आखिर क्यों? तो हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि आपका जो है धूमिल हो रहा है छवि इतना अच्छा काम करने के बाद भी, इसलिए आप इस पर अविलंब संज्ञान लें। डीएम साहब का भी हम कहते हैं कि आपका इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है सभी को, जन आक्रोश बढ़ रहा है बेरोजगार युवकों में, इसलिए अविलंब इस पर ध्यान देते हुए बिना एग्जाम का जिसका भी ज्यादा उम्र है उसको सीरियल बाई करके एज फैक्टर के अनुसार से सूची निकाल के विलंब नियुक्त किए रहे, क्योंकि सभी लोग रोड पर आ गए, सभी का 50-45 साल हो गया, वो कितना साल तक नौकरी कर पाएगा, कितना सेवा कर पाएगा। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर प्रखंड स्थित धनकर गांव में भगवान भोले शंकर की शिवलिंग की स्थापना को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बताते चले इस शिव मंदिर का शिलान्यास विगत 2012 में भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह ने किया था। आज धनकर गांव के मंदिर प्रांगण से गंगा घाट के लिए भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका विधिवत उद्घाटन दीपक सिंह ने किया। दीपक सिंह ने कहा कि सनातन धर्म को बरकरार रखने हेतु मेरी जान हाजिर है, मैं हमेशा धर्म के प्रति आगे रहता हूं और हमेशा रहूंगा। वहीं इस मौके पर हजारों स्त्रियां बालिकाओं अपने सिर पर पवित्र कलश को रखकर गंगा घाट के लिए रवाना हुए। ग्रामीणों ने कहा कि आज इस पवित्र मंदिर में शिवलिंग की स्थापना होगी और कल अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। भोला बाबा के मंदिर का स्थापना होना है, उसके लिए कलश यात्रा का यहां से धनकर ग्राम से गंगा जी के लिए प्रस्थान करने वाली है, इसके लिए मुझे साथ चलने के लिए गांव वालों का बहुत आग्रह हुआ कि मैं भी साथ चलूं, और मैं खुशनसीब हूं कि भोला बाबा के मंदिर के स्थापना के लिए इन लोगों ने मुझे साथ ले जाने का मुझे मौका दिया। मैं धन्य हो गया और मैं सनातन धर्म की स्थापना के लिए जो जो जहां जहां मुझे जाना पड़ेगा हर चीज़ में शामिल हूँगा, सदैव रहूंगा, और हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो कदम भी उठाना होगा उठाऊंगा।